शरीर के लिए भोजन लेते हैं। भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है। उसी तरह हमें हमारी आत्मा के पोषण की भी आवश्यकता है। हमारी आत्मा का पोषण प्रार्थना है। प्रार्थना, सत्कार्य और भक्ति आत्मिक पोषण देते हैं। हमारी आत्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आत्मा प्रभु ईसा द्वारा प्रदत्त है। हमारी आत्मा को हमें प्रभु ईसा को समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु ईसा का आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें हर वरदानों से भर देते हैं। प्रभु ईसा ने कहा है, मनुष्य रोटी के लिए ही नहीं जीता, ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द के लिए जीता है। प्रभु ईसा का वचन ही आत्मा का पोषण है। उपवास काल में हम आध्यात्मिक विकास के लिए प्रभु ईसा से प्रार्थना करें। पवित्र ग्रंथ के अनुसार ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है वे कुछ ही समय विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास में दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं।